हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में अंबाला पहुंचे हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 10 साल के कार्यकाल का बखान किया। हुड्डा रोहतक में होने वाली कांग्रेस की परिवर्तन रैली का न्योता देने आए थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से बहादुरगढ़ मेट्रो बनाई, रेलवे लाइन जो है आपका सोनीपत से जींद वाया गोहाना, एक रेवाड़ी से रोहतक वाया झज्जर ताकि जयपुर तक का कनेक्शन हो जाए, हिसार की मंजूर कराई, एक यहाँ मंजूर कराई थी रेलवे लाइन यमुनानगर में हमने, एक मेवात में कराई थी, है जी। इनका बता दो, एक पावर इंस्टीट्यूट लगाया हो, एक इंच मेट्रो बढ़ाई हो, एक यूनिवर्सिटी बनाई हो जो काबिल हो, एक इंस्टीट्यूट बता दो आप। इनके बनते इन्होंने कहा था कल्पना मेडिकल कॉलेज जो है इसको हम कल्पना चावला यूनिवर्सिटी बनाई मेडिकल साइंसेज की। खैर इन्हें नाम बदल दिया, नाम बदलना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें एक ईंट के सिवाय कहीं काम हो रहा हो तो बता के जाए, देख लो ये करनाल रहा है वहाँ पे। बनते ये कहा था कि राई जो है स्पोर्ट्स स्कूल उसको मतलब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अब कैबिनेट में पास किया, बनेगी नहीं बनेगी पता, 5 साल के बाद एक बता दे अपनी उपलब्धि है। हुड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी तर्कश से एक एक कर कई तीर निकाले, जहां एक तरफ प्रदेश सरकार के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उसने 90-90 सीटें जीतने का दावा किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार के खिलाफ एक नारा भी दिया, मनोहर सरकार एक धोखा है, हरियाणा बचा लो एक मौका है। मैंने जगह जगह किसान सम्मेलन किए, व्यापारी सम्मेलन किए, दलित सम्मेलन किए, दलित पंचायत की जगह जगह की, हर जगह करके गए हम पूरे प्रदेश में। रोज तो आप लोग की खबर लिखते रहे, लिख रखा है प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 1 रुपए किलो अनाज प्रदान किया जाएगा। किसको देने भाई 1 किलो, 1 रुपए किलो, ये मुझे बाजार लग गए, ये तो बल्कि आटा बनाने लगे, अपना कर दिया। गुजरात सरकार की तर्ज पर 2 लाख रुपए वार्षिक आय के अंतर्गत आने वाले गरीब परिवारों को 2 कमरे वाला मकान बनाकर 20 वर्षों तक सस्ती ब्याज दरों पे दिया जाएगा। किसने किसका बनाया भाई मकान बना के दिया इन्हें? हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए करेंगे, किस कौन सी होगी भाई? कोई भी एक वादा, मुख्य वादे यही है। और तो और ये कौन सा कर रहा है, इन्हें काम किया, दादू पर नलबी उठा दी। खट्टर सरकार धोखा है, हरियाणा को बचाओ ये मौका है। हुड्डा के बयान पर प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल रही है और पार्टी में आपस में 2 फाड़ है, उसके लिए जीत हासिल करना टेढ़ी खीर साबित होगी। R9 TV के लिए राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।